बरेली कॉलेज बरेली 2019 में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बरेली कॉलेज की तरफ से आपके बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही कोर्सेज की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किन किन स्टूडेंट का एडमिशन होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं एडमिशन के लिए, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर आपको एकदम पूरी सही सटीक तथा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस टाइप से आप अपनी जो परसेंटेज है उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मेरिट लिस्ट क्या रही है ये 2019 में एडमिशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ इस्लाम सावर एंड यू आर वॉचिंग नाउ आईएएस अंसारी। दोस्तों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेरिट चेक करना होगी। तो आपको मेरिट किस टाइप से चेक करना है, चलिए उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अपनी मेरिट इंडेक्स चेक करने के लिए सबसे पहले बरेली कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट को आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, प्रिंट ऑफर लेटर यूजी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलने वाला है, व्यू मेरिट यूजी कोर्सेज। ठीक है, यहाँ से भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। जो जो स्टूडेंट फर्स्ट मेरिट में यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट को यहाँ से ऑफर लेटर प्रिंट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जो कि आपने आवेदन फॉर्म में फिल किया है, जिस कोर्स के लिए भी आपने आवेदन किया है, यहाँ से आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, अभी केवल बीए, बीएससी और बीकॉम की ही मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, तो आप इन कोर्स के लिए ही अभी यहाँ से ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपका जो काउंसलिंग का लेटर होगा वो डाउनलोड करने के लिए आपके सामने आ जाएगा, जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। और अब मैं आपको यहाँ पर मेरिट बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बरेली कॉलेज बरेली कट ऑफ मेरिट इंडेक्स फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, यहाँ पर ये बीए के स्टूडेंट के लिए, जिन स्टूडेंट ने बीए के लिए आवेदन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग डेट दी हुई है और यहाँ पर ये मेरिट इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 2 जुलाई को एडमिशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो कितने परसेंट वालों को यहाँ पर पहुँचना है, मेरिट के हिसाब से 93.78% से लेकर जिन स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 77.51 है। ठीक है, ये जो आपकी परसेंट है ये 12th क्लास के बेस पर है, बट यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी मेरिट चेक कर लेना है बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 2% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो उनकी 2% बढ़ जाती है जो भी आपके 12th क्लास के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार वहाँ पर चेक कर लीजिए, आपका जो नंबर है फर्स्ट मेरिट में भी आ सकता है। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट की परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट दी है 3/7/2019 में। ठीक है, जिन स्टूडेंट की परसेंट 77.42 से लेकर 73.25 तक है, ठीक है, उन स्टूडेंट को 3 जुलाई को यहाँ पर पहुँचना है काउंसलिंग के लिए। इसी के साथ जिन स्टूडेंट की परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 73.21 से लेकर 70.87 तक है, ठीक है, उनको 4 जुलाई को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। ये जो परसेंटेज है ये इंटर के बेस पर ही है, बट एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप पहले बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर, जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, वहाँ से आप एक बार अपनी ऑफर लेटर जरूर चेक कर लें और मेरिट इंडेक्स को जरूर चेक करें कि आपकी मेरिट इंडेक्स क्या रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बेटिस सर्टिफिकेट लगाया है अपने फॉर्म में तो उनकी जो परसेंटेज है वो 5% तक बढ़ गई होगी, यानी कि जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स थे उसमें 5% आपके और ऐड हो गए होंगे। इसी टाइप से ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स की 2% वहाँ पर बढ़ गई होगी। ठीक है, तो हो सकता है आपकी जो परसेंट 30 इंटरमीडिएट की वो 70 हो। इसके साथ यहाँ पर जो आपकी मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज रही हो उसमें 2% बढ़ने के बाद 72 हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्द एडमिशन मिलने वाला है। इस बार परसेंटेज बहुत डाउन रही है, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो पाई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप बी कॉम फर्स्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपको भी यहाँ पर सबसे पहले बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर अपनी मेरिट इंडेक्स चेक करना है, जहाँ से अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपनी मेरिट देखना है। 2 जुलाई को यहाँ पर 96.20, ठीक है, इस मेरिट से लेकर 79.44,
इस नेट तक के स्टूडेंट को 2 जुलाई को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। उसके बाद 3 जुलाई को जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए जाना है उन्हें आप अपने देख सकते हैं 79.40 से लेकर 74.35% वाले स्टूडेंट को 3 जुलाई को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। इसके साथ साथ 4 जुलाई को आप यहाँ पर देख सकते हैं 74.23 से लेकर 70.96% वाले स्टूडेंट को 4 जुलाई को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। जो स्टूडेंट भी फर्स्ट मेरिट में यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनके ऑफर लेटर वेल्ली कॉलेज की वेबसाइट पर आ चुके हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से मैंने अभी बताया था। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं बीएससी की मेरिट के बारे में। बीएससी की मेरिट क्या रही है? बहुत ही डाउन रही है बीएससी की मेरिट। पहले जो मेरिट होती थी उसमें फर्स्ट मेरिट में 80% से ऊपर के स्टूडेंट को ही पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता था, बट यहाँ पर इस बार मेरिट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% तक पहुँच गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जुलाई को आप यहां पर देख पा रहे होंगे 96.39% वाले स्टूडेंट से लेकर 81.8% तक के स्टूडेंट को 2 जुलाई को जाना है। इसके साथ ही 3 जुलाई में आप यहां पर देख सकते हैं 81.77 से लेकर 77.76। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 4 जुलाई को जिन स्टूडेंट को पहुंचना है 77.75 से लेकर 75.95 परसेंट तक के स्टूडेंट को 4 जुलाई को पहुंचना है। अभी यहां पर ये केवल फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है। ठीक है, अभी आप लोग निराश ना होइएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहां पर एडमिशन मिलने वाला। अभी केवल 401 सीट तक ही यहां पर एडमिशन होंगे और इसमें से भी कुछ स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। तो आप मान लीजिए 400 स्टूडेंट को यहां पर बुलाया तो मान लीजिए लगभग 30-40 स्टूडेंट तो वैसे ही यहां पर काउंसलिंग के लिए नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो सीट की संख्या है वो लगभग 700 से ज़्यादा है। ठीक है, बीएससी बायो में इसी टाइप से आपकी जो बीएससी मैथ में सीट की संख्या वो भी 700 से ज़्यादा है। तो अभी आप आधे स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अभी जो आपकी मैरिट है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होने वाली है। आप अगर फर्स्ट मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप सेकेंड मेरिट का वेट कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पर सेकेंड मेरिट भी जारी की जाएगी। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मैथ ग्रुप के लिए है। ठीक है, जिन लोगों ने बीएससी मैथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया है तो उन लोगों को यहाँ से अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं बीएससी के बायो ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, जिन स्टूडेंट ने बायो ग्रुप के लिए आवेदन किया है 2019 में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें, और जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सेकेंड मेरिट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आपको समय पर प्रोवाइड कर सकूं और आपका जो एडमिशन है वो सही से हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रही है यहाँ पर बीएससी बायो के स्टूडेंट के लिए मेरिट। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग डेट है उसे आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद कितने परसेंट से लेकर कितने परसेंट वालों का एडमिशन किस डेट में होगा इसे आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 जुलाई को कितने स्टूडेंट को पहुंचना है यहां पर आप देख सकते हैं 97.98% से लेकर 79.14%। ठीक है, इतने स्टूडेंट को यहां पर पहुंचना है। जिन स्टूडेंट की मेरिट 97.98 से लेकर 79.14% के बीच में उन लोगों को 2 जुलाई को पहुँचना है। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट की जो परसेंटेज है मेरिट इंडेक्स के अनुसार 78.98 से लेकर 75.87 के बीच में उन स्टूडेंट को 3 जुलाई को काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिन स्टूडेंट की परसेंटेज 75.85 है, ठीक है, और 74.35 के बीच में है, ठीक है, इस परसेंट से लेकर इस परसेंट के बीच में है, तो उन स्टूडेंट को 4 जुलाई को अपनी काउंसलिंग कराने के लिए बरेली कॉलेज में पहुँचना है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसके साथ ही आप अपना ऑफर लेटर वेलेली कॉलेज की वेबसाइट से प्रिंट कर लीजिए जहां से मैंने अभी आपको बताया था, उसमें काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहां पर आपको पहुंचना है, किस टाइप से एडमिशन वगैरह होगा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जो लेकर जाना है वो 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना है, इसके साथ ही 12th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना है, और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है, और जनरल कैटेगरी के अलावा अगर आप ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके साथ ही अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थ्रू आवेदन किया है यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू आपने आवेदन किया है तो अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना है, उसका लाभ भी आपको वहां पर निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस टाइप से आप यहाँ पर एडमिशन के लिए पहुँच सकते हैं। ठीक है, और जो मैरिट लिस्ट है वो फर्स्ट मैरिट लिस्ट अभी आपके यहाँ पर आ चुकी है, और जो सेकेंड मैरिट लिस्ट है वो बहुत जल्द यहाँ पर जारी की जाएगी जैसे यहाँ पर फर्स्ट मैरिट लिस्ट के एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं। बरेली कॉलेज की तरफ से सेकेंड मैरिट लिस्ट भी आएगी, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट मैरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सेकेंड मैरिट का वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर फर्स्ट मैरिट के
एडमिशन है वो 4 जुलाई तक होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 दिन का मौका और दिया जाएगा फर्स्ट मैट वाले स्टूडेंट को, ठीक है। जो स्टूडेंट रह जाते हैं फर्स्ट मैट से, तो उनको 2 या 3 दिन का और मौका मिल सकता है कि अपना एडमिशन करा लें। उसके बाद सेकेंड मैट जारी की जाएगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के लिए कुछ स्पेशल न्यूज़ बरेली कॉलेज की मैरिट से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी टाइप की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।